गले लगा के चल गुमसुम तराने चुपके गाए आधी आधी पाट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद था इतनी खुशी चल बनाए आशियाँ ना हो चार दीवारी फिर भी झरोखी खुली के चल गुमसुम तराने चुपके गाए आधी आधी पाट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया छोटी में बांध लूं दुनिया
डिंडोली गांव के लोग देश के दूसरे गांवों की तरह खेतीबाड़ी करते थे। देश के हजारों गांवों की तरह डिंडोली गांव के लोग दिन रात मेहनत कर अपना पेट भरते थे। हर साल की तरह पिछले साल बारिश हुई थी, लेकिन कम। इस साल अब तक बारिश नहीं हुई। आ जा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो। आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आ जा रे इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है अपना अंबर है रे। वाजा रे बरसों की आंखें अब आसमान को टटोल रही है, खेत प्यासे हैं, दाना फूटे भी तो कैसे फूटे। हे पालनहारे ये सुलझन को कैसे सुलझाए। हो पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। तुम्हें हम का हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। यदि हम आज नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। हम आज प्रण लेते हैं कि हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से प्रयोजन शुरू करें। आओ जल का संग्रह करें। घन घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा ढंके, चमक चमक देखो बिजुरिया चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए गिर के आए। दिन बदल तू घर से निकल, बरसने वाला अब अमृत जल। दुविधा के दिन बीत गए भैया, मलहार सुनाओ। चमक चमक देखो बिजुरिया चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए।
Yeah.
बूटी कोरी हला सो कालो मेरो बूटी कोरी हला सो कालो रे हला सो कालो साती खीरी पीना खुलो सारू धनो महुलो बे तुमा चलो साती खीरी पीना खुलो सारू धनो महुलो बे तुमा चलो
गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग, वाह मजा आया, बढ़िया। तो आज का क्लास यहाँ पे हो गया डांस क्लास। आज सबने, मैंने तो देखा आधे से ज्यादा बच्चे ही डांस में पार्टिसिपेट किए हैं, और बाकी जो बच्चे हैं उनके अंदर में भी डांस छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं मन में डांस कर रहे थे लेकिन बैठक व्यवस्था था, आप अपने पास में ही डांस किए हैं, तो आपको अगली बार मौका मिलेगा। कौन कौन डांस करना चाहोगे अगली बार? देखिए सब बहुत अच्छा, ग्रुप डांस, ओके हैंड्स डाउन। तो ग्रुप डांस को तैयार करने में काफी मेहनत लगते हैं और बच्चों का ही मेहनत लगता है, इतनी सारे कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन कम से कम समय में क्लास चलते हुए, ये टाइम निकाल के टाइम चुरा के जो प्रैक्टिस करते हैं, और आके ये प्रदर्शन, जैसे ही सर ने कहा कि सभी को प्रथम पोजीशन आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन, सबने कुछ किया है। जो बच्चे एक दूसरे को देख के फिर सीख के फिर डांस के टाइम में ही अपना स्टेप्स को करेक्ट कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है। ये सीखने और सीखने का जो प्रक्रिया है, इनमें सब ने साबित कर दिया कि हम सीख सकते हैं। तो एक दूसरे को जो सीख रहे थे, और साथ में इधर पीछे से मैडम उनको सब एनर्जी देते थे ताली बजा के, बाकी पेरेंट्स जितने आपने योगदान दिया है, क्योंकि आपके बिना ये संभव हो नहीं सकता, क्योंकि आपने तैयार कराया, घर में उनको प्रैक्टिस कराया होंगे, जो भी ड्रेसअप का किया होगा, ये बहुत बहुत काम आते हैं बच्चों को। और ये आज हमको देखने को मिला एक मिनी कल्चरल मीट, और कहें तो हम एनुअल डे ही मना लिए हैं, मतलब 12 डांस कर लेना और एक टाइम फ्रेम में, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे जितने भी हमारे पेरेंट्स आए हुए हैं, क्योंकि आप बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और जो कंसर्न के साथ आते हैं, तब जाके ये संभव हो पाया कि आपका समय निकाल के आए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए आजकल समय नहीं निकल पाते, लेकिन आपने समय निकाला है, बहुत बड़ी बात है। और हमने पीछे भी जो देख रहे थे हमारे सीनियर बच्चे वहाँ पे खड़े हैं, तो वो भी बहुत आनंद ले रहे थे, मजे ले रहे थे, वो भी ठुमके लगा रहे थे, और सारे जितने भी, एक भारत दर्शन टाइप का हो गया हमें, क्योंकि भारत का अलग अलग कोने के प्रांत से जो भी आते हैं, हमारे जो एक आर्ट फॉर्म होता है, हर चीज़ को यहाँ पे दिखा दिया है, बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए, पढ़ाई के अलावा ये बहुत बड़ी बात है, डांस करें और भी कुछ करें, आपका फिजिकल फिटनेस भी रहेगा और मन भी आपका स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद सभी को।